हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, हेल्दी बीटरूट पूरी। इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी बीटरूट, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, सफ़ेद तिली, थोड़ा सा हींग है, उसके अलावा नमक। ये मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे से। और तेल तलने के लिए 2 टेबल स्पून सूजी है। सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें बीटरूट डाला है चॉप्ड, और अदरक 1 इंच का टुकड़ा है उसे भी मैंने काट लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके अलावा ये है हींग, और जीरा 1 टीस्पून है। अब मैं इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी। ग्राइंड करते समय ज़रूरत पड़े तो आप 2 टीस्पून और पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ज़रूरत नहीं तो बिल्कुल भी नहीं डालना। अभी मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ मिक्सिंग बाउल में। आप चाहो तो इसे खिसके भी बना सकते हो, बट ग्राइंड करके बनाने से पूरी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। पहले मैं 2 कटोरी गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। गेहूँ का आटा डिपेंड करता है कितना लगेगा, हो सकता है 2 कटोरी से ज़्यादा भी लगे। उसके बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून सफ़ेद तिली, 2 टेबल स्पून सूजी। सूजी डालने से क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, पुदीने की पत्तियाँ। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एकदम सॉफ्ट डो बना रही हूँ। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। ग्राइंड करते समय मैंने 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया था। अब मैं इसको हाथ से एकदम सॉफ्ट डो बनाऊंगी बिना पानी डाले। अगर आप पानी डालोगे आटा चिपचिपा बनेगा, तो पूरी तलते समय तेल ज़्यादा सोख लेंगे। हमें इसे ऐसे ही एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। अगर आटा गीला बनता है तो थोड़ा सा और आटा डाल के आप इसको एकदम अच्छे से सॉफ्ट डो बना लेना। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जिस साइज़ के आपको पूरी बनाने उसके अकॉर्डिंग। सारे बॉल्स बन गए हैं, अब हम बनाते इसको पूरी। अब मैंने एक आटे का बॉल उठाया है, उसके ऊपर तेल लगा के मैं इसको एकदम अच्छे से बेलूंगी। ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। आप चाहो तो पूरी प्रेशर जो होता है उससे भी पूरी बना सकते हो, जो इजी आपके लिए हो उसके अकॉर्डिंग आप बनाना। इस तरीके से, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। ये पूरी बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है। बच्चे जनरली बीटरूट खाना पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से बना के दो, वो बहुत अच्छे से खाएंगे। सारे पूरी बन गए हैं, तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इन्हें करते हैं फ्राई। फ्राई करते समय तेल अच्छे से गर्म होना है। मैंने एक पूरी उठा के तेल में डाला है, अभी मैंने उसको तुरंत नहीं पलटा है। आप देख सकते हैं तेल में ऑटोमेटिकली ये ऊपर ऐसे फूल कर आ गया है। बस इस तरीके से फुल कराने के बाद हम लोग इसको टर्न करेंगे। टर्न करके अब इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होते तक फ्राई करेंगे। ये पूरी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। आप इसे बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, इनफैक्ट आप डिनर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं हम लोग बाहर जा रहे हैं तो टिफ़िन में भी इसे बना के ले जा सकते हैं। 2-3 दिन तक ये पूरी ख़राब नहीं होते हैं। पूरी तल गई है, मैंने निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे पूरियों को फ्राई कर लिया और सर्व किया है अचार और दही के साथ। आप आपकी कोई भी फेवरेट सब्जी हो उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अब आप भी ये टेस्टी बीटरूट पूरी बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।